वेलकम टू इजी कुकिंग बाय परमजीत को। हाँ जी, आज की बना लगे जी। आज ऐसे कच्चे में पीतल के परोठे बनावांगे। क्या बात है, क्योंकि ये सारे पेड़ ना लगे हुए ने। अच्छा जी, आज ऐसे खाने ने। लो जी, पपीते का पेड़ घर लगे हुआ जी, ते एक कच्चा पपीता असी उतारिया ते इहदे बनावांगे असी परोंठे। बहुत एक यूनीक रेसिपी है जी, ते ये कोई जरूरी नहीं है भाई पपीते घर लगे होंगे तो ही बनाने हैं। अजकल मार्केट जो कच्चा पपीता बहुत मिल रहा है, बहुत फ्रेश है। लो जी, सब तो पहला स्टेप यदा यह होंगे जी, यदा ग्रीन छिलका उतार देना। देखो जी, जरा कच्चा पपीता ये बहुत ही अच्छा एक सोर्स है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई का। तो पेट दी समस्या वास्ते ये बहुत अच्छा जी, जिमें कि बहुत फायदा पहुँचाता है गैस च, सूजन च, कब्ज, तो ये सब तो अच्छा मनिया जाता है हेल्थ वाइज कच्चा पपीता खाना। लो जी, पपीते का ग्रीन छिलका असी उतारता जी। तो अगला स्टैप ये है जी, इनू असी दो हिस्से कट करना है, तो उस तो बाद कद्दूकस कर लेना। जे तो ये बीज है तो कढ़ देने, जे नहीं है तो कोई गल नहीं, सीडलैस है, बिल्कुल ये सीड है ही नहीं है जी, बस इनू असी कद्दूकस करना जी। लो जी, शुरू करते हैं कद्दूकस करना। लो जी, सारा पपीता असी कद्दूकस कर लिया जी। अगला स्टैप ये है जी, जिहड़ा कद्दूकस किया होया उन दबा के असी इहदा पानी कढ़ना जी। सारे कद्दूकस किए हुए पपीते चो असी पानी कढ़ लिया, तो ये जरा पानी है असी बिल्कुल भी सुटना नहीं है जी। इस पानी नू असी यूज़ करना जो असी आटा गुनना है तो उहदे च मिक्स कर देना। पानी कढ़ना इस करके जरूरी है क्योंकि जो परौंठा बनावांगे तो परौंठा बनना मुश्किल हो जाता, इस करके पानी कढ़ना जरूरी हो जाता। आ देखो जी, पपीते चो इन्ना पानी निकलिया, ये असी हुण आटे च पा के तो इहदे वास्ते आटा तैयार कर लेना जी। लो जी, हुण इहदे च ऐड कर दिया हरिया मिर्चां, बरीक बरीक कट के पानी है जी। ये तुसी आपदे टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लियो जिन्नियां तुसी खानियां चाहते हो। लो जी, हुण ऐड कर दिया जी इहदे च नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करो जी। असी चम्मच का चौथा हिस्सा पाया, असी छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा पाया, नमक चलना नहीं ज़्यादा। ये तुसी नमक जरा आपके टेस्ट के मुताबिक पाना, इसी तरह लाल मिर्च पाउडर भी अपने टेस्ट के मुताबिक पानी है। अजवाइन भी, अजवाइन देखो जी चौथा हिस्सा, छोटे चम्मच है वह चौथा हिस्सा है। असी बहुते मसाले नहीं जी पाने, इन बहुत सिंपल बनाना क्योंकि ये खाँ च हैल्दी हो, इस हिसाब ना असी परौंठा बनाना जी। तो बहुत ही एक ईजी तरीका इन बनाने का। दो हरिया मिर्चा कट्टिया सी, देखो जी सिर्फ असी दो हरिया मिर्चा पाइया ने जी ये च, बच्चे हरी मिर्च भी हेल्थ वाइज खानी बहुत अच्छी होंगी है, तो पपीता तो है ही है। लो जी, गैस असी करती ऑन, तो तवा दिता रख, जरा पपीते चो पानी निकलिया सी उहदा असी आटा तैयार कर लिया जी, तो परौंठा बनाना हुण शुरू कर दें जी। लो जी, अपने हिसाब नाल पेड़ा ले लेना जी, ना छोटा ते ना वड्डा। लो जी, कच्चा पपीता जरा कद्दूकस किया होया जिन्ना क ये आ सकता काफ़ी फीलिंग उन्ना भर देना, काफ़ी मोटी फीलिंग करनी है। लो जी, कच्चा पपीता देखो जी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे खाना। देखो जी, ये भी कहा जाता भी जिते दवाई काम ना करे कच्चा पपीता खाओ तो ये बहुत प्रॉब्लम हल हो जाए। लो जी, इस तरह बंद कर देना असी। उस हिसाब ना करने की फीलिंग बाहर ना आए। देखो जी, थोड़ा जा सुक्का आटा लगा के तो इनू वेल देना जी।
लो जी, तवा साडा पूरा गर्म हो चुका जी, तो थोड़ा जिहा देसी घी इत्थे ऐड कर दें जी। असी देसी घी यूज़ कर रहे हैं, तुसी अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी घी कोई भी आयल यूज़ कर सकते हो। तवा पूरा गर्म करन तो बाद परौंठा इत्थे ऐड करो जी, तो थोड़े थोड़े इत्थे कट लगा दिओ। इहदे नाल इह भी इहदा सेक अंदर तक पहुँचता है तो बहुत क्रिस्पी परौंठा बनता। जो उस साइड तो पक गया तो फिर इहदा पासा पलट देंगे। देखो जी, परौंठा कई लोगों घी लगा के हजम नहीं हुंदा, कहिंदे वी घी नहीं असी खा सकते। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि तुसी घी लगाना, तुसी इस तरह भी अगर इनू पका के खाओ या सिर्फ उत्ते मक्खन पा के खा लो तो यह उन्ना ही फायदा देगा जिन्ना तल के देगा घी नाल। तो जी पासा असी इहदा पलटता जी, देखो जी थोड़ा थोड़ा उधरों पक गया सी। देखो जी जदों उस साइड तो पक गया तो फिर इनू असी इहदा पासा पलट देंगे, तो इहदे नाल नाल असी दूसरा परौंठा तैयार करते हैं जी। लो जी, उस साइड तो पक गया तो असी इनू पलटता जी। जिहड़े पासे असी कट लाए सी उस पासे असी घी लगाना जी, क्योंकि इहदे नाल इह होना एक तो यह क्रिस्पी बहुत होएगा, एक घी इहदे अंदर एंटर हो जाता। देखो जी, लो जी पासा असी फिर पलटता जी। लो जी थोड़ा थोड़ा इनू हिलाओ जी तवे ते, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो बहुत सोहना पकता परौंठा, बिल्कुल बराबर पकेगा। लो उधरों साडा पक गया जी, तो पासा असी पलटता, तो थोड़ा जिहा इधरों असी होर गोल्डन ब्राउन दूसरे पासों करांगे तो परौंठा साडा तैयार हो जाएगा। लो जी परौंठा साडा देखो जी बन के तैयार है, बड़ा गर्म है जी इस साइड तो भी तो उस साइड तो भी। तो ये जो उतारना है जी, उतार के इनू किसी कपड़े पर रखना है। कपड़े पर रखने का मकसद ये होंगे भी जो सीधी प्लेट पर रख देंगे तो मॉइस्चर आ जाता परौंठे से, तो इस तरह असी दूसरा परौंठा तैयार कर लेना जी। लो जी यह भी परौंठा असी तवे ते ऐड कर दें जी। लो जी यह भी परौंठा साडा बन के बिल्कुल तैयार हो गया जी, तो गैस असी करती बंद। लो जी कच्चे पपीते के परौंठे बन के साडे बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद करते हैं साड़ी रेसिपी तुहानू अच्छी लगेगी, एक बारी इस तरह बना के देखो और कमेंट बॉक्स कमेंट करके दसो कि साड़ी रेसिपी तुहानू कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।